लानत है। अरे ऊपर वाले, तेरा ये इंसाफ कैसा है? ना जेब में पैसा है, ना कोई उधार दिए जैसा है, एक पैर में मेरी टूटी हुई चप्पल और दूसरा पैर ऐसा है। तो क्या जिल्लत से भरी जलील जिंदगी दी है यार, लानत है। भाई क्या तुम सच में इतने गरीब हो? हाँ भाई, हम इतने गरीब है कि भिखारी हमको देखता है तो भीख लेके चला जाता है। बताओ। बहुत अफसोस हुआ भाई आपके बारे में सुन के। लानत है, ये साला तो भिखारी से भी गया गुजरा निकला यार। हट, लानत है। अभी कैसा करूं यार, घर में राशन नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा वरना बीवी मारेगी और डांटेगी अलग। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार। भाई क्या लागे देते तुम भाई, भरोसा नहीं है क्या? अरे भाई मेरे बाप पे भरोसा नहीं करते ना, तेरे ऊपर कैसा करूं? उधार लिए चल, देवता चल, निकल यहां से निकल। अरे जियो मेरे लाल, ये आदमी मुझे कुछ काम का लगता है। कृपया यात्री ध्यान दे, अपने कुर्सी की पेटी बांध ले, क्योंकि अभी हम कॉमेडी की उड़ान के लिए टेक ऑफ करने वाले। चलिए। लानत है, क्या मुसीबत है यार। तू साला एक चप्पल है वो भी बार बार टूटते रहती है। हट। अजी कौन की थैली लेके भाग गया, पकड़ो उसको। दुकानदार, हमारा नाम होशियारचंद, होशियारपुर वाला है। मैं क्या करूं, क्या मांगता तुमको? अरे मांगता तो बहुत कुछ है लेकिन तुम दे नहीं पाओगे। क्या बोले? एक काम करो, मुझे 2 किलो चावल देना। 2 किलो चावल? नहीं नहीं, वो कवर में मत डालो, मैं अपना कवर अपनी थैली घर से लेकर आता हूँ, इस थैली में डालो। ये थैली में डालू? हाँ इसी थैली में डालो। क्या करता है यार, सीधा डालो ना। एक काम करना, 1 किलो आटा देना। 1 किलो आटा? नहीं नहीं बराबर है, डाल दो। नहीं नहीं, वो आटा भी इसी थैली में डाल दो। आटा भी इसमें? हाँ, ये भी इसी में डालो। इसमें? हाँ इसी में। और क्या होना? एक काम करो, आधा किलो दाल दो। आधा किलो दाल? दाल दो। ये भी? हाँ ये भी इसी में डाल दो। एक किलो शक्कर देना। 1 किलो शक्कर? हाँ शक्कर। हाँ बस। बस बराबर बराबर है, डाल दो। अरे बराबर है यार, डालो ना। ये भी इसमें? अरे डालो ना यार, तुमको क्या करना है, डालो। एक काम करना, 100 ग्राम चाय की पत्ती देना। ये किसमें डालो? ये भी इसी में डालो। ये भी इसमें? अरे तुमको क्या करना है यार, तुम डालो ना। डालो।
कितना पैसा हुआ? 750 रुपए में। बस इतना ही? एक काम करना, डायरी में लिख लेना, मैं तुम्हें 750 रुपए बाद में ला कर दे दूंगा। उधार उधार नहीं होता, पैसे दे देना पड़ता। इधर पैसे दे के लेना। अरे लाके देता हूँ ना यार, काई को मगजमारी करता है, लाके दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं देता। उधार नहीं देगा? नहीं देगा। नहीं देगा? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, ये पकड़ तेरा सामान, मुझे सामान नहीं चाहिए। हट। आए हाय, ये सामान तो पूरा मिला के चल दिया इन्हें। अब ये सामान पूरा खराब हो जाता, मेरे भी काम में नहीं आता। उसको ही भुला के सामान दे दिए तो उन्हें तो भी बाद में दे देता पैसे अपने को ला के। होशियारचंद जी। क्या है? होशियारचंद जी, आप ये सामान ले लीजिए। अरे हट, नहीं चाहिए तेरा सामान। होशियारचंद जी ले लीजिए ना प्लीज। अब तुम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ले लेते हैं। डायरी में लिख के रखना। हाँ ठीक है, मैं ला कर देता हूँ। देखा होशियारचंद की होशियारी का नतीजा? अरे क्या हारे हुए लीडर के चमचे की तरह गर्दन लटका के बैठा है? क्या हुआ इस विशाल ब्रह्मांड के छोटे से प्राणी, क्यों परेशान है? क्या मुसीबत है यार, साला है खुद चींटी के जितना और नाटक करता है हाथी के उतना। बताओ। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ बता तो सही, क्यों परेशान बैठा है? समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या कर रहा? हुआ क्या भाई? तुम्हारे को तो मालूम ही छे, मेरी शादी हो गई। मालूम है तो क्या हुआ, बीवी मारती है क्या? अरे ये लौंड पन आकर के बोल के नहीं बोलता हूँ भाई तुम्हारे को। अब आपसे नहीं करूँगा मेरे बिल्ली के बच्चे। अब आपसे नहीं करूँगा यार, बैठ बता तो सही, काय को भाव खाता है? बैठ बता क्या हुआ। बात क्या है बोले तो, मैं हूँ 2 फीट का, मेरी बीवी है 6.5 फीट की। परसों मेरी बीवी को लेके चांद मीनार को गया था भाई। पूरे लोग मेरे को देख रहे, मेरी बीवी को देख रहे हंस रहे, मेरे को देख रहे, मेरी बीवी को देख रहे हंस रहे। शर्मिंदगी हो गई भाई मेरे को। इतनी सी बात और उस पे शर्मिंदगी? अरे होले दीवाने, माठी मिले, ये शर्मिंदगी की नहीं बल्कि ये तो फखर की बात है, इस पे तो तुझे नाज होना चाहिए। हाँ वो कैसा? वो ऐसा कि दुनिया में जितने मर्द हजरात हैं वो अपनी बीवी से जब बात करते हैं तो सर झुका के बात करते हैं, और बीवियां जब उनसे बात करती है तो सर उठा के बात करती है। लेकिन तू दुनिया का वाहिद ऐसा खुशनसीब इंसान है जो अपनी बीवी से बात करता है तो सर उठा के बात करता है, और जब बीवी तुझसे बात करती है तो सर झुका के बात करती है। हाँ भाई ये बात तो सही बोले, मैं भी कभी भी मेरी बीवी से बात करता हूँ ना भाई, ऐसी मुंडी उठा के बात करता हूँ रुआब से। मानते हो क्या? नहीं। अरे तू एक रुबाबदार इंसान है, तेरा सिर्फ जिस्म छोटा है बाकी हर चीज बड़ी है। फिर सिर्फ एक चीज को छोड़कर। वो क्या? वो क्या है भाई? अब, 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 दिमाग, तेरा सिर्फ दिमाग छोटा है छोटे। चल सब लोग अपना कान और ध्यान अच्छे से खोल के सुन लो रे। ए क्या रे, तेरा ध्यान उधर है क्या? अरे नहीं भाई। फिर काई को उधर मचा रहे लाए? ए जास्ती मस्करी नहीं, अपन लोग इधर मस्करी करने को नहीं आए लाए। पेंडेमिक के बाद पूरा धंधा एकदम मंदा हो गया है क्या? अभी जास्ती एड़े चाले करने का नहीं। ए बाबू चलेला तू उधर जा। ठीक है बस। ए मुन्ना अटेला तू उधर जा। अनवर काना, राजू गुप्ती, तुम लोग मेरे साथ। ए न्यू कमर, तेरा नाम मेरे को अब तक मगज में आया नहीं, फिर भी तू मेरे साथ आ।
ये किसका गोली है बे? भाई ये होशियारचंद की गोली है। ऐसा क्या, इधर से ही चालू करते। ए होशियारचंद, ए होशियारचंद, ए होशियारचंद, ए होशियारचंद, ए होशियारचंद, ए आ गया। अरे बस करो यार, क्या मरे हुए गधे के थके हुए गले की तरह गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हो। ए बी सी डी ए, अरे बस कर यार, अब क्या पूरा जेड तक लेकर जाएगा। हट तू, लानत है, क्या गंदगी है यार सुबह सुबह। हट तू। ए शाणे, एक मिनट, पहले हम हमारा जरा इंट्रोडक्शन तो दे दें। पहचानते हो हमें? हमारा नाम होशियार चंद, होशियारपुर वाला है, नागपाड़े के नाक के पाड़े में रहता हूँ और सबसे यही कहता हूँ, I talk with the different people, with the different style, with the different day, with the different time, with the different language, with the different way, with the different day, with the different time. बस कर, हो गया। हट। हाँ भाई। ए भाई, जो तूने बोल बच्चन दिया ना, वो अपने को कुछ समझ में नहीं आया क्या? समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं। अरे ये बात मेरे जैसे दिमाग वाले की बात है, तेरे जैसे बददिमाग के दिमाग के अंदर नहीं आएगी। ए, ए राजू गुप्ती बता इसको। छी, नहीं नहीं, मैं नहीं देखूंगा। कितने गंदे लोग है यार, क्या क्या दिखाते। छी, मैं नहीं देखूंगा। ए स्मार्ट मून, जो तू समझ रहा है ना, ये वो नहीं बता रहा है, ये हम लोग को ने वो बता रहा है। अच्छा अच्छा, वो बता रहा है, मैं समझा वो। ए अनवर बता इसको। अबे पूरा अखा मुंबई में शिगुरु भाई का इतना राम है ना, पूरा मुंबई वीरा नारा सुपारा वसाई नायगांव महिंदर मीरा रोड दहीसर बोरीवली गांधीवली मलाल गोरेगांव जोगेश्वरी अंधेरी सांता क्रूज खार बांद्रा मुमरा माही माटुंगा दादर वडाला रोड जेटीपी चुन्नाबट्टी कुर्ला बदलापुर चेंबूर वाशी सनपाड़ा गोरेगांव भेड़ी बाजार नल बाजार शोर बाजार सीएसटी छत्रपति शिवाजी हैदराबाद की बिरयानी और मुंबई का वड़ा पाव। पूरा अखा मुंबई में अपना भाई किसी को भी नहीं देता भाव। ये बस कर यार, कंफ्यूज हो जाएगा। ए शाणे, अभी तेरा ये लाफ्टर शो बंद कर और गुंडा टैक्स निकाल। हम लोग इधर गुंडा टैक्स वसूल करने आए ले क्या? गुंडा टैक्स अभी वसूल करता हूँ। तुम भी यार किस भिखारी से भीख मांगने चले आए हो? अब मेरा मतलब है, किस भिखारी से गुंडा टैक्स मांगने चले आए हो? अरे मुझे तो सरकार ने इनकम टैक्स माफ कर दिया है, तो मैं तुम्हें गुंडा टैक्स कहाँ से दूंगा बताओ? क्या सरकार ने तेरा इनकम टैक्स माफ कर दिया है? हाँ। वो कैसे? वो ऐसे कि जब मेरे जैसे गरीब इंसान की कोई इनकम ही नहीं है, तो मैं इनकम टैक्स कहाँ से भरूंगा। इसलिए सरकार ने मेरे लिए कहा कि जा, आज से तुझे इनकम टैक्स माफ। बताओ भाई, ये बेचारा तो सचमुच बहुत गरीब लगता है भाई। मेरे को भी ऐसा लग रहा है, इसके लिए कुछ करना मांगता है। अब उन्हें काम करते हैं, इसको अपनी गैंग में एडमिशन दे देते। ओह नो, ये क्या चार पैसे भी कमा लेगा, इसका घर चल जाएगा। अरे भी बच्चे का दुआ लगेगा ना भाई। सही बोले भाई, इस धंधे में दुआ की बहुत जरूरत है भाई। सही बोला, चल भाई चल। नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता आपके साथ। काई को? अब वो क्या है ना, मेरे घर में मेरी बूढ़ी बहन है, मेरा जवान बाप है, मेरी बिन बिहाई माँ है। क्या सच में? अब मेरा मतलब है, जवान बिन बिहाई बहन है, बूढ़ा बाप है, मेरी माँ बीमार है, मेरा छोटा फूल सा मासूम मेरा भाई जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, इस मकान का मालिक रोजाना हमारे से किराए के लिए लड़ रहा है, मेरे बाप के पैर का जख्म सड़ रहा है और डे बाय डे मेरे जिंदगी में तनाव बढ़ रहा है। तेरा सैड स्टोरी सुन के अपने को बहुत दुख हुआ। दुख? अरे भाई, दुख जब हमारी स्टोरी सुनता है तो खुद दुख को दुख होता है, लेकिन तुम तो फिर भी इंसान हो, लेकिन हम भी खुददार लोग हैं, गम खा के अपना पेट भरते हैं, आंसुओं से अपनी प्यास बुझाते हैं, मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। कुछ मदद हो जाती तो? अरे तू टेंशन मत ले भाई, हम लोग करेंगे तेरी मदद। ए किसके किसके किस्से में कितना लोकड़ा पड़ेगा, इधर लाओ। ए निकाल भाई, तू भी निकाल चल। ए भाई फिलहाल ये रख, ठीक है, और टेंशन नहीं लेने का। क्या कुछ भी होगा ना वांदा, तो शुक्र भाई को बोलने का, आज से अपुन तेरा भाई है क्या, समझा क्या? लेकिन मैं ये वापस, ए भाई बोला ना, भाई बोला ना, अब ये रखने का, वापस वापस करने का मत सोच। तो बराबर है। ए चलो ना निकलते। शुक्र भाई फिर आना है। देखा होशियार चंद की होशियारी का नतीजा, मुझसे गुंडा टैक्स मांगने आए थे,
लेकिन मैंने उन्हें इमोशनल करके उनसे इमोशनल टैक्स निकाल लिया। एक बात बताऊं, मेरी बहन बिन बिहाई नहीं, मेरी माँ बीमार नहीं, मेरा बाप बूढ़ा नहीं, मेरा छोटा भाई जिंदगी और मौत से लड़ रहा नहीं, क्योंकि ये है ही नहीं। एक और बात बताऊं, ये घर भी मेरा नहीं है। ए, आगे जाना भिखारी। अरे भिखारी किसको बोलता है यार, अपना भी कोई स्टैंडर्ड है। ए, चलना चल। अरे जाता है चिल्लाता गए कोई। ए, माई। ए, माई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। एक और बात, जो जो वीडियो लोग ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो इसको क्या करने का? सब्सक्राइब करने का। हाँ चलो बेटे, हो गया।